करती हूँ कि मेरे नन्हे मुन्ने मुझे मिस कर रहे होंगे और मेरा ये सेशन का वेट कर रहे होंगे। तो ये हमारा पार्ट टू है और लास्ट सेशन है बच्चों। इस पे हमने देखा नेम द पिक्चर सर्कल दोज पिक्चर्स जिस पे डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो हमें सर्कल करना है, और अगर वी से स्टार्ट होता है तो आपको टिक करना है। तो आप अगर ऐसे ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करोगे बेटा तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बट आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी है, और वैसे ही क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपके साथ जो भी बड़े हैं उनको आप पूछ सकते हो कि मम्मा ये क्या लिखा है। तो आप वीडियो भी बार बार देखना, क्योंकि मैंने एक एक वस्तु यहाँ पे आपके लिए इजी करके और मैंने समझाई है। तो बच्चों यहाँ पे है व्हील तो मैं इसको करूँगी राउंड, यहाँ पे है वाज तो मैं करूँगी टिक। तो लिखिए वी ए एस ई वाज, ये है डब्ल्यू एच ई ई व्हील, हो गया। अब नेक्स्ट व्हील माने वो जो हम कार्ट को व्हील होती है ना, जिससे आगे बढ़ती है बैलगाड़ी, उसको कहते हैं व्हील, ठीक है। वास जहाँ मम्मी फूल रखती है फूलेदान, और ये है विंडो। तो चलिए गोल कर देते हैं और विंडो लिखते हैं डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू। चलिए अब यहाँ है वॉल, तो क्या करना था W वाले को गोल करना था, राउंड करना था, W A L L वॉल। फिर है वैन, वैन को कैसे करना था टिक करना था, क्योंकि वैन तो क्या कर रहे थे वी से स्टार्ट हो रही है इसलिए हमको टिक कर रहे हैं, यहाँ भी हमको टिक करना है। और इसका स्पेलिंग क्या है वी ए एन वैन, और ये क्या है वेजिटेबल्स मतलब सब्जी मंडी, जो हमारी मम्मी हमको बना के खिलाती है सब्जियाँ, वी ई जी ई टी ए बी एल ई एस वेजिटेबल्स। तो बस 43 पेज पे इतना ही है। अब नेक्स्ट जब मैं आऊँगी आपके लिए लेके नया चैप्टर जिसका नाम है द विंड एंड द सन, विंड मतलब ज़्यादा हवा, आजकल हवा बहुत बह रही है ना, और सन मतलब हमारे सूरज दादा, है ना, जो ना हो तो पूरा घनघोर अंधेरा हो जाता है और हो तो हमको पसीना आ जाता है। तो नेक्स्ट हम सेशन में मिलेंगे लेसन के साथ, फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट नए लेसन के साथ द विंड एंड द सन। बाय बाय, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता है ना कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिखना है, क्योंकि ये सब आपको मैं इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, इसी में से आपको आएगा तो इसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर माय लिटिल वंस, बाय बाय।